चाहिए। पहाड़ी इलाकों पर ताजा बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी बढ़ाई। राजौरी, गांदरबल और मनाली में ताजा बर्फबारी। पटना में ठंड की वजह से 8वीं क्लास तक के बच्चों की 5 जनवरी तक छुट्टी की गई। हिमाचल में 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर। ठंड के साथ घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। बर्फबारी से तापमान में गिरावट, कश्मीर की सड़कों पर बर्फ की चादर। नए साल पर पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। राजौरी की पीर पंजाल पहाड़ियों और मनाली में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पीर पंजाल में बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक गई। बर्फ की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद किया गया है। श्रीनगर में डल झील जमने के बाद एक पेड़ भी बर्फ में बदल गया है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस कुदरत के अजूबे को, और कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, कितनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हिमाचल के मनाली में भी नए साल पर बर्फबारी के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को राज्य में भारी बर्फबारी और बारिश की भी संभावना है। वहीं उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम पूरी तरह जम चुका है। झील, झरने, नदी से लेकर नाले सब फ्रीज हो चुके हैं। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे का सितम जारी है। रेल और हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिला है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।